एक मुंगेर से डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी आए हुए हैं, तो हम चाहेंगे दो मिनट के लिए आशीष अग्रवाल जी आए मंच पर। गुड मॉर्निंग। ऐसे नहीं, जोर से गुड मॉर्निंग। कितने लोग हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं सर? 100 में बस इतनी सी आवाज। गुड मॉर्निंग। अब थोड़ा ठीक है सर। मैं अपनी बात करूं, मुझे मैं इस पोजीशन में से सही नहीं बताया। जब मैं 9 महीने का था तो मुझे पोलियो हुआ था। आज से 35 साल पहले पोलियो काफ़ी खराब बीमारी चली हुई थी। 9 महीने की उम्र में जिस समय मैंने खड़ा होना शुरू किया था उस समय मुझे पोलियो हुआ। और उस समय मेरी हालत ये थी कि मेरा एक फिंगर भी मैं हिला नहीं पाता था। सिर्फ मेरी आँख खुलती थी और बंद होती थी, डेट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की, मेरा जगह जगह इलाज करवाया, तो आज मैं आपके सामने हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि कुछ भी होता है ना तो वो यहाँ से होना चाहिए। पैर होने से कुछ नहीं होता है, पंख होने से कुछ नहीं होता है, उठता वही है जिसके पास हौसला होता है। तो मैं यही बोलूंगा, आप लोग के पास तो सब कुछ है, भगवान पैर दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, लेकिन मैंने अपने लाइफ में जो भी किया है, अगर मैं डॉक्टर की स्टेज तक आया, डॉक्टर बना, जिस समय मैं डॉक्टर बना ना उस समय लोग क्या बोलते थे, अरे ये तो खुद बीमार है, ये दूसरों का इलाज क्या करेगा। ये भी मुझे सुनना पड़ा है अपनी लाइफ में। बस जो बोलते थे वो खुद आज अपना इलाज कराने मेरे पास आते हैं। तो इसीलिए ये चिंता नहीं करना है कि लोग क्या बोल रहे हैं, आप पर डिसीजन आपको लेना है और लाइफ आपकी है, इसे कैसे जीना है। आज मुझे 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए के लिए भी सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे लेकिन ये इंडिपेंडेंस कब तक है? 5 साल 10 साल 20 साल, जब तक मैं काम कर पाऊंगा तब तक। उसके बाद मैं अपने बच्चों पे आश्रित हो जाऊंगा। लेकिन मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अपने बच्चों पे आश्रित ना होना पड़े। वो उनको मैं वो देके जाऊंगा जो कि मेरे खानदान में किसी ने नहीं दिया होगा। तो भले ही अभी आप लोग को लग रहा हो, लेकिन जल्दी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर राजेश सर सिक्स है, मैं भी सिक्स है, जरूर बनूंगा। धन्यवाद। साथियों, नाम मदन कुमार, बेगूसराय का रहने वाला हूं। पैसे से बात की जाए, जॉब के साथ साथ कंगन बिजनेस को प्रपोजल करता हूं। जहां तक सर ने बताया कि कंगन से डिवाइस से इसके पानी का यूज करने के बाद बहुत सारे परिणाम निकलते हैं, तो हमारे परिवार में भी अद्भुत परिणाम निकले बताना चाहेंगे। आज के डेट में एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि आज हमारे परिवार में किसी को भी कोई बीमारी नहीं, सभी स्वस्थ। जब मुझे लगा कि मुझे परिवार में जब ये परिणाम आ सकते हैं, तो अन्य लोग भी हमारे आसपास हैं जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है या उन्हें एसिडिटी या बहुत सारी प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी बताना चाहिए। और जब मैंने लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया तो मैजिक रिजल्ट, मेरा बिजनेस ही बढ़ने लगा। मतलब मेरे घर में हेल्थ और वेल्थ दोनों आने लगे। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा, नज़र बदले, नजर बदले, नजारे बदलेंगे, सोच बदले, सितारे बदलेंगे। मेरा लक्ष्य है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को इस मेडिकल डिवाइस के बारे में लोगों को बताऊं। क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या आप मेरा साथ देंगे? तो जीत के हम जिताएंगे आप लोगों को। इस मिशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी पहुंचाएंगे, इस मेडिकल डिवाइस के बारे में। और मैं यही कहना चाहूंगा, मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है।
हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। अंत में मैं इस कंगन डिवाइस के बारे में और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आगे आप लोग सुनेंगे जानकारी लगे इसके बारे में बताने के लिए हमारे स्पॉन्सर सुरेश जी का और हमारे मेंटर्स प्रकाश सर का एवं हमारे इस टीम में उत्तर बिहार में पहले शिक्षक बनने वाले राजेश सर का तहे दिल से नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जय भारत जय कंगन। आज जो सेमिनार अटेंड करने के लिए आप सभी लोग का मैं दिल से धन्यवाद कर देना चाहता हूँ। और सर लोगों ने जो इलेक्ट्रोलाइसिस डिवाइस के बारे में मेडिकल डिवाइस के बारे में जितना भी प्रेजेंटेशन और स्लाइड दिया है यही सब चीज़ देख करके हमने भी एक निर्णय लिया था और अपने घर में इस मशीन को जगह दिया। और विश्वास कीजिए कि हमारे घर में भी जितने भी छोटे मोटे या बड़े बीमारी थे वो सब पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है। और हम भी एक मिशन के तौर पे टीम पीके भी के अंतर्गत एक मिशन के तौर पे हर घर से बीमारी मुक्त करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे राज्य में कहीं भी कोई कैंसर का अस्पताल या कोई भी अस्पताल खुले, लोग बीमार ही ना पड़े, अस्पताल का जरूरत ही ना पड़े। हम इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारा सपोर्ट करें और इस मशीन को खुद भी लगाएं, इस पानी का खुद भी इस्तेमाल करें और एक दूसरे को बताएं भी इसके बारे में। सर थैंक यू। नमस्कार आदाब। मेरा नाम संजीव है और मैं बखरी से हूँ। मैंने ये मशीन 2020 में 10 जनवरी को अपने घर में लगाया था। ये सोच के मेरे घर में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। मेरे भैया को ब्लॉकेज का प्रॉब्लम था, बदन में दर्द होता था, मेरी भाभी को डायबिटीज थी और मुझे पैरिया का शिकायत था। मैंने ये 3 साल के दरमियान मेरे घर में जो टेस्टिमोनियल आए हैं तो पैरिया पे मिला ही, डायबिटीज पे भी मिला और मेरे भैया को ब्लॉकेज था उस पर भी मिला। सबसे बड़ा और इमेजिंग टेस्टिमोनियल मेरी भतीजी पे। 7 साल पहले उनकी मैरिज हुई थी, 7 साल से उनको बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत इलाज करवाए और इलाज चल ही रही थी, लेकिन कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखे थे ये टेस्टिमोनियल, उसमें एक इस पानी के बारे में बताया गया था कि जिनकी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम होती है इस पानी को पीने से उसको बेनिफिट मिलता है। हमने अपने भतीजों को वहाँ से ससुराल से बिदागरी करा के अपने घर लाया और वहाँ ये लाइव पानी पिलाया और लाइव पिलानी पानी पिलाने का ये नतीजा मिला मेरी भतीजी को ये नवंबर इस महीने पिछले महीने नवंबर को 3 नवंबर को बेबी इशू हुआ और हेल्दी है और स्वस्थ है। बहुत इमेजिंग रिजल्ट, मुझे बहुत खुशी हुई। आप इमेजिंग कर सकते हैं सर कि किसी घर में अगर बच्चा ना हो शादी होने के बाद उनके घर में क्या क्या अफवाहें चलने लगती है, ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, बहुत सारे हम लोग को भी टेंशन हुई। लेकिन गॉड कंगन वाटर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ग्रेट लीडर मेरे अपलायन मिस्टर प्रकाश वर्मा बखरी के जो टॉप लीडर हैं, हम लोग को ये डेमो दिखाए थे राजेश सर के साथ और हम लोग ने ये डेमो देखा और डेमो देखने के बाद इससे पहले हम सऊदी अरब में मेडिकल कॉलेज में जॉब करते थे, वहां से आने के बाद ये डेमो देखे, डेमो देखने के बाद क्विक डिसीजन लिए और ये मशीन लगाई और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिले। हम लोग हर आदमी स्वस्थ रहना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। सर एक गौर करने वाली बात है, हम अच्छे घर में रहना चाहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, तो अच्छा पानी क्यों नहीं पिए सर? ये सवाल है हम सबके साथ कि अच्छा पानी क्यों नहीं पिए जब आपके घर का पानी खराब है, सड़ा हुआ है, जिसे आए दिन तरह तरह की बीमारियां होती है, तो हम उस पानी को क्यों नहीं बदले, हम इस डिवाइस को क्यों नहीं लगाए? जब मेरे घर में रात के 12 बजे कोई पेशेंट आता है और ये परेशान होता है गैस से, किसी का ब्लड प्रेशर का शिकायत है, ब्लड प्रेशर परेशानी, हम बहुत ऐसे से रात में उठ उठ के 12 बजे 1 बजे पानी दिए हैं और इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर उसको रिलीफ मिलता है। वो दुआ मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे पूरे परिवार को मिलता है जिससे मुझे खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार ठाकुर है, मैं बखरी से हूँ। मैं छोटे से ओहदे पे बखरी ब्लॉक में कार्यरत और कार्यपालक सहायक के रूप में कार्यरत हूँ, छोटा कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में। मुझे 2017 में डायबिटिक हुआ किसी टेंशन के वजह से, घरेलू ज़्यादा टेंशन था जिसके वजह से डायबिटिक हुआ और मैं बहुत चिंतित रहता था अपने स्वास्थ्य को लेकर
कि ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे चाचा जी भी हैं, कई सालों से लगातार मेडिसिन ले रहे हैं जो आज तक ठीक नहीं हो पाए हैं, और मुझे बहुत चिंता होता था इस को लेकर कि मैं कैसे इसको ठीक करूं। तो इसी क्रम में मैं संजीव सर से मिले, जो अभी भी हमसे पहले बोलकर गए, उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो उन्होंने बताया कि एक पानी है जिसके पीने से हो सकता है आपका डायबिटिक ठीक हो सकता है। मैं लगातार उनके घर लगभग 15 दिनों तक पानी पिया, मॉर्निंग में ही 1 लीटर पानी प्रतिदिन पीते थे। तो उसके बाद मैंने फिर ब्लड टेस्ट करवाया और देखा कि मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है वो डाउन होने लगा, कम होने होते जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पानी को के डिवाइस को अपने घर में भी लगाऊं। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि पूरा डेमोंस्ट्रेशन जो है मुझे दिखाया जाए। तो हमारे गुरु मेंटर मिस्टर प्रकाश वर्मा जो हैं, इनका डेमोंस्ट्रेशन संजीव सर के घर पे ही हम देखे थे, और उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि इस मशीन को अपने घर में लगाएंगे। तब से लेके आज तक मैं पानी पी रहा हूँ और मैं अभी ठीक हूँ। मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है 110 से ज़्यादा नहीं जाता है, जो कि मेरे ऊपर मिराकली है। और मैं चाहता हूँ कि ये डिवाइस प्रत्येक घर में लगे और इसका पानी का इस्तेमाल करके सभी लोग स्वस्थ रहे। मैं इससे ज्यादा और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।